नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त की एक बड़ी खबर नीमच कलेक्ट्रेट से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता फार्म उठाने की बात को लेकर आमने सामने हो गए। जिस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है कि वार्ड नंबर 2 से जो कांग्रेस का अधिगत प्रत्याशी था वो फार्म उठाने वहां पहुंचा था। इस दौरान जो है कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे फार्म उठाने के लिए अंदर ले जाते हुए दिखे। सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हो, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर देखते हैं किस तरीके से पूरा मामला क्या है, आपको सुनाते हैं। पूरा मामला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां आज फॉर्म उठाने की अंतिम तारीख थी। इस दौरान जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 के अभ्यर्थी लीला बाई पति भेरूलाल भील निवासी दौलतपुरा को भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म उठाने के लिए लाए थे। इस बात की सूचना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वार्ड क्रमांक 2 के अभ्यर्थी को जबरन ले जाने लगे, जिस पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। और इसी दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लीला बाई को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर कलेक्टर कार्यालय से लेकर चले गए, जिस पर अभ्यर्थी के प्रति भेरूलाल भील द्वारा कांग्रेस नेता तरुण बाहेती पर अपहरण का आरोप लगाया। और इस दौरान तरुण बाहेती ने भी उपरोक्त आरोप को नकारते हुए कहा कि मेरे द्वारा अभ्यर्थी को नहीं ले जाया गया है। और आनंद फानंद में फोन लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः वार्ड क्रमांक 2 के अभ्यर्थी को तत्काल कलेक्टर कार्यालय लाया गया, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 2 के अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म उठा लिया है। दोबारा जब अभ्यर्थी के प्रति भेरूलाल से बात की गई तो उसने कहा कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से फॉर्म उठाया है। मेरी पत्नी को अभी कार में उठा के लेके गया। तरुण जी किस प्रकार का काय के लिए ले गए? हम फॉर्म उठाने के लिए आए थे अपनी मर्जी से। अच्छा, कोई दबाव नहीं अपना। कौन से वार्ड से हो? वार्ड नंबर 2। क्या नाम है? प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी का नाम लीला भाई। क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया क्या? हाँ। मर्जी से उठा रहा हूँ। नहीं, मर्जी से उठा रहा हूँ कि कोई दबाव तो नहीं किसी का? किसी का कोई दबाव नहीं है मेरे को। चुनाव नहीं लड़ना आपको? हाँ। पत्नी मेरे साथ थी अभी। कौन उठा के ले गया? ये ले गए यहाँ पे कार्यकर्ता। कौन से कार्यकर्ता ले गए, नाम बताओ ना। तरुण जी। तरुण जी खड़े खड़े वो जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बैठ ले लो। गलत बात है, मैं तो यहीं हूँ, मेरी गाड़ी भी यहीं। हाँ, मेरी महिला पति आई थी, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। हमने बात उससे बात उससे पति से हम बात कर रहे थे। इतनी देर में वो किसके साथ थी हमने जानकारी दी। मैं तो यहीं हूँ कलेक्ट्रेट में, कहीं गया ही नहीं हूँ। आया तब से कलेक्ट्रेट में, मेरी गाड़ी भी यहीं है, मैंने लेकर। वो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है, ऐसा बता भी जा रहा है। हाँ, अधिकृत प्रत्याशी तो हम बात करेंगे उनसे, ये फॉर्म तो उठा रहे थे इसलिए हमने इस वाले को लेकर। लेकिन उन्होंने बताया है कि वो उनकी मर्जी से दबाव में नहीं उठाया, मेरे को दिक्कत नहीं है। महिला के पति द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि तरुण को राय के लिए? नहीं, मैं तो यही हूँ भाई, मैं तो यही हूँ पति के साथ मैं बात कर रहा था। महिला पीछे थी, मुझे नहीं पता। हम बात करें महिला जो यहाँ पे लाए।